92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र स्वरूप के क्या कहने हैं, रुद्र यानी कि महादेव, लेकिन रौद्र मतलब क्रोधित होता है। और जो ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार होते हैं, ये पहले आपको जलाते हैं बाद में किसी और को जलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बहुत क्रोध करता है उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां पनप जाती हैं और उसकी शरीर की सारी नाड़ियां आकुंचित होती रहती हैं। अगर आप शांति से इस समय इस बेला में इस ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने की बेला में बैठे और ध्याएं प्रभु को, ना कोई क्रोध, ना कोई लोभ, ना कोई मोह, ना कोई अहंकार, आप और आपके प्रभु और कोई नहीं। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना इस दिन की देते हुए आपको मंगल, हार्दिक शुभ मंगल बधाइयां, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 19/9/2016 सोमवार है। आज चंद्रमा आमेश में, संकष्टी चतुर्थी मतलब महाराष्ट्र में यहाँ संकट चौथ गणेश जी की मनाई जाती है। इस दिन व्रत उपवास और मंदिर जाने से गणेश जी के आपके पूरे महीने भर के संकट टल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। चंद्रोदय 8:51 तक है। श्राद्ध चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तृतीया व चतुर्थी का श्राद्ध है। बुध का पूर्व में दर्शन हो जाएगा आज, तो मिथुन और कन्या राशि वाले बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। बात करी थी हमने शंकर भगवान की, लेकिन शिव परिवार के बिना आराधनाएं अधूरी रह जाती हैं। आए गणपति जी की आराधना करें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिले कोई। कहते हैं कि जब दूसरे की तरफ एक उंगली करो तो चार उंगलियां अपने तरफ भी रहती हैं। और आपने क्या गलत कहा, सही कहा, अगर उस समय क्रोध में आपको ना समझ आए और बाद में महसूस हो कि मैंने गलती कर दी, तो अपनी चूक मानने में, भूल मानने में अपनी एक मिनट भी देर ना लगाएं। उस व्यक्ति को फ़ोन करें या बात करें और उनसे ये कहें कि मुझसे भूल हो गई थी और मैं अपनी भूल का सुधार कर रहा हूँ। तब आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, आपका बहुत उद्धार हो जाएगा, लोग आपको प्यार करेंगे और आप राज करेंगे संसार पे। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में बताने जा रही हूँ आपको मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। मेष राशि में ही है चंद्रमा आज के दिन में, तो आमने सामने चंद्र शुक्र हैं, एक योग बनेगा महालक्ष्मी का और साथ में आप बहुत ही सुंदर दिखेंगे, रोमांटिक दिखेंगे, मेधावी पर्सनालिटी लगेगी। शुक्र सामने से देख रहा है और चंद्र बैठ के आपको विनोदी बनाता है, आपको कूल बनाता है। ये दिन अति उत्तम आपके लिए, तो शनि मंगल युति भी खत्म हो गई। रिलैक्स नाउ। मेष राशि वाले बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, बुद्धि भी सही चल रही है। वृषभ राशि के लिए आज चंद्रमा द्वादश में, तो आज खर्चे का दिन और हो सकता है आप विदेश यात्रा के बारे में और शॉपिंग के बारे में सोचें, तो जाइए शॉपिंग पे, आप जा सकते हैं। वैसे भी आपके दिमाग पे बैठा गुरु सूर्य आपको बनाता है मेधावी, तेजस्वी, ओजस्वी। आप बहुत सही सोचते हैं, आपकी विद्या पढ़ाई सही हो रही है, आपको एडमिशन्स मिल रही है, आपके बच्चों का अच्छा हो रहा है, वो बहुत ही अपने आप में तेजस्वी बन रहे हैं। इसके साथ ही आपको जो बहुत दिनों से मंगल शनि युति का झटका लगा हुआ था स्पाउस के साथ, अब तो बन रही है, छन रही है उनके साथ में। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अति उत्तम स्थिति में बट वक्री होकर फिर से पीछे आया हुआ है, तो फिर भी एक बात ध्यान में रखिए कि वो राहु के साथ बैठा हुआ तृतीय स्थान में आपको अच्छा फल देता है, आपकी बेचैनियाँ खत्म हैं। और दूसरे आपको तुला का शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलवाता है, अपने बच्चों से आपके बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पदवी को प्राप्त होते हैं। कर्क राशि के लग्न का स्वामी आज दशम में, तो आज पैसा कमाने का दिन है इनका, और पैसा कमाने के दिन में कोई बाधा ना आए इसलिए आप खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा लिक्विड्स पीजिए। वैसे भी आपको मैं बताती हूँ कि आपको ज़िंदगी भर नारियल पानी, छाछ, दूध और जूस, इन सब चीज़ों पे रहना चाहिए ज़्यादा, तो आपकी उन्नति होती रहेगी। और जो शनि बैठा आपके दिमाग पे, आपकी गलत सोच का कारण है,
कितनी बार आपको घर वाले समझाते हैं लेकिन आप समझने को तैयार नहीं, ज़िद्दी हो रहे हैं आप, और ज़िद्दी ना होकर अगर अपनी भूल चूक सुधार करने आप तो आप और भी बहुत ज़्यादा माने जाएंगे। परिवार में थोड़ा सा कलह है राहु के कारण। सिंह राशि के लोग, लग्न में बैठा राहु आपको मलिन बनाता है और बहुत ज़्यादा आपको गलत सोचवाता है, आपसे गलत कार्य करवाता है। बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है सूर्य पूजा, गायत्री के जाप और सूर्य को जल चढ़ाते रहना है। प्रवास अति उत्तम हो रहा है आपका और माइंड पे मंगल बैठने के कारण आपको गुस्सा बढ़ा रहा है। अपने तेजी और अपने गुस्से को काबू करने के लिए आप कर सकते हैं किसी गुरु की आराधना। कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु सूर्य आपको एकदम तेजस्वी ओजस्वी टीचर टाइप बनाता है, जैसे कोई शिक्षक होता है, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, वैसे हो रहे हैं आप। और आपको समझ में भी आ रहा है कि बहुत सारी बातें आपके विरुद्ध जा रही हैं क्योंकि शनि अभी अस्वस्थ है लेकिन तीसरे है, जिस वजह से आपके काम भी बनते नज़र आते हैं अब मुझे। और जो इतने दिनों से काल सर्प योग का जो चक्कर चल रहा है उसके लिए आप कर सकते हैं शिव जी की पूजा। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर कन्या राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। लोग कहते हैं कि हनुमान जी जागृत हैं, मुझे भी प्रचिति है इस बात की और मैंने महसूस किया है उनके जागृत होने का, लेकिन कभी कभी मैं उनको वाकई बुलाती हूँ, आइए हनुमान जी मेरे संकट हरिए, मैं तो आपके रोज मंदिर आती हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, चलिए साथ साथ मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं दुनिया में जो हमको अच्छी नहीं लगती और शायद किसी दूसरे को अच्छी लगती हैं, और वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको अच्छा लगता है और हमको अच्छा नहीं लगता। अब ये स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है और लोग एक दूसरे के साथ बैर कर बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं, लेकिन बैर का कहीं अंत होना चाहिए। उस बैर को लचीले रबड़ की तरह ना खींचते हुए उसको काट के ख़त्म करके और आप दोबारा से जुड़ सकते हैं उस व्यक्ति के साथ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। जब कुछ भी शाश्वत नहीं है तो इतना पीठ पर बोझ लाद के कहाँ जा रहे हो भैया, नहीं जाना है कहीं, यहीं रहना है अपने आत्म में, परमात्म में। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस दिन की सुबह की देती हूँ आपको दिल से बधाइयाँ। धरती को प्रणाम किया आपने, माता पिता को प्रणाम किया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी किया, चाय का टाइम है लेकिन चुस्कियां लेते लेते तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य प्लीज सुन लीजिए। तुला राशि के लग्न बैठा शुक्र इनको बनाता है रोमांटिक, सुंदर और मीडिया के काबिल, तो मीडिया के काबिल काम हो जाएंगे आपके अगर आप ऑडिशन देंगे, लोगों को कॉन्टेक्ट करेंगे, करके देखिए समय बहुत अच्छा है। और जो शनि बैठा हुआ है आपकी द्वितीय में उसने काम खराब किया हुआ है, बहुत कटु बोल रहे हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मंगल है प्रवास के घर में तो आक्रामक प्रवास होंगे, बहुत सारे काम करना चाहेंगे और पैसे आ रहे हैं सबसे बड़ी बात, और खर्चे भी बड़े हो रहे हैं और थोड़ी सी तबीयत नासाज बची। वृश्चिक राशि, अजीब से हालात हैं आपके, नर्वस से हैं, चुप हैं आप, लग्न में शनि लेकिन मंगल शनि युति खत्म होने से आप रिलैक्स जरूर हो गए हैं। आपके द्वितीय में बैठा मंगल आपको वाणी में कटुता और उग्रता लाता है, ये उग्रता से बचे। कोई रोमांटिक संबंध बनने की संभावना आपके इन दिनों, अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा न कीजिएगा और अगर मैरिड नहीं है तो यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा गुरु सूर्य बने हुए हैं लाभ में, तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि के लग्न में मंगल, क्रोधी स्वभाव पहले ही आपका जनाब, और ऊपर से क्रोधी हो गए आप और डैशिंग हो गए साथ में, ये तो आपका प्लस पॉइंट है। तो आप डैशिंग भी हैं, आप काम करते हैं, आप मेहनती हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कूल डाउन करने के लिए पानी ज़्यादा पीजिएगा। और इसके अलावा आपका काम की जगह पे जब तक आप खुद पुश नहीं करेंगे काम नहीं होगा, मैं बताने जा रही हूँ आपको, क्योंकि आप सोच रहे हैं अपने आप काम हो जाएगा, आपको कोई मदद करेगा, तो भाग्य आपका भी थोड़े दिनों के लिए और रुका हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पुश कीजिए चीज़ों को। मकर राशि के लग्न का स्वामी शनि अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ खत्म और अभी जो आपका भाग्य है वो भी काम करने लगा, सेहत का कोई इलाज मिल गया आपको। और जो शुक्र है
जो तुला में बना हुआ दशम में है, उसने मीडिया से रिलेटेड आपके कई काम बना डाले, तो मैंने कहा है तो बन गया है, तो कॉल तो करो, बनता है ना, मैं आपके रूबरू होंगी जल्द ही। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि दशम में और ये स्थिति अब पहले से कई बेहतर, और अभी भाग्य से कई आपको कॉल्स वगैरह आएंगे और लोग आपको काम पे बुलाएंगे। कहती है कामिनी खन्ना, हमेशा के एक कॉल आता है और ज़िंदगी बदल जाती है, तो इतना ज़्यादा सोचना कैसा, ज़िंदगी को जिए, मज़े से एंजॉय कीजिए, हर दिन हर पल एक नया जन्म, और मेरा ऐसा कहना कि अपने पत्नी स्पाउस के साथ एंजॉय करना है आपको। इसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए हमेशा कहती हूँ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिए। मीन राशि। मीन राशि के लिए अभी जो है गुरु सूर्य सन्मुख बने हुए हैं, तो पत्नी से आपकी खूब जोरदार पट रही है, वो आपको सिखा रही हैं, आप उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा कर रहे हो, बहुत अच्छी स्थिति है, और काम में आपका मन लग रहा है, डैशिंग हो रहे हो, अभी पहली सी स्थिति नहीं रही, भाग्य आपका खुल गया है और राहु आपको पैसे दिलवा रहा है, तबीयत भी अच्छी हो रही है, क्या कहने आपके। तो 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मैं इससे लेके मीन राशि तक का भविष्य, आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप जिसको जानकर आप कहेंगे आ हा हा, ये तो चलते फिरते हो सकता है मामला। एक तेरा ही नाम तो सच्चा है जहाँ पर मुझे आराम मिलता है, बाकी तो मैं हरेक की आँखों में कभी ढूंढती हूँ प्यार तो मुझे दिखता है कुछ और, कभी ढूंढती हूँ मैं अपनापन तो मुझे दिखता है कुछ और, और एक भगवान तेरा नाम ही साँचा है, तो मुझे लेने दो भगवान का नाम, आप भी लो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। आम के आम और गुठलियों के दाम, क्या बात है। ऐसा कहा जाता है कि आम भी मिल जाए और गुठलियाँ भी सुखा के उसको बगीचे में लगा दो और फिर से आम का पेड़ आ जाए, तो आपको गुठलियों के दाम ऐसे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि ग्रीनरी भी फैलेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा, और आम भी कई सालों बाद आपको, आम भी आपके बच्चे खाएंगे, आप भी खाएंगे, और आम के क्या कहने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे जुड़ता है? तो मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आपको बताने जा रही हूँ आम और सूर्य और गुरु की बात। तो आम को आम की तरह मत लीजिए, आम को खास देखिए आप, कि आम का छिलका पीला होता है, कभी ऑरेंज होता है, गुदा जो है उनका पीला ऑरेंज होता है, और ये सूर्य और राहु को डिनोट करता है। आम खाने से आपका ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि बहुत सारा बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, कभी कभी वजन भी बढ़ जाता है और कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है बी कॉम्प्लेक्स बढ़ने से आपका ब्रेन शार्प होता है, आपकी मेधावी बुद्धि होती है, फिर वो अगेन जो मैं कहूंगी कि गुरु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है और जो उनका स्वभाव है कि गुरु सूर्य साथ में बैठे, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मेधावी होता है, बहुत ज्यादा वो पढ़ाई और पढ़ना और लिखना इनमें ज्यादा ध्यान रखता है। तो खाइए आम और गुरु सूर्य तत्व को बॉडी में बढ़ाइए। अब मैं अगली बार फिर आपको बताऊंगी कि कैसे विटामिन की तरह काम करते हैं ये सब चीज, अब फ्रूट्स तो विटामिन है ही, तो एंजॉय कीजिए आज आप अगर आम कहीं से मिल जाए तो, क्योंकि अभी तो सीजन नहीं है आम का। कल फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ट्विटर हैंडल 927 बिग एफएम पर। आज गणपति महाराज कुछ मेरे दिमाग में छाए हुए हैं, मुझे चारों ओर उन्हीं के भजन नजर आते हैं और उन्हीं की आराधना करने का मेरा मन है, हालांकि सोमवार है तो भी क्या हुआ, मैं शंकर भगवान को मना लूंगी कि मैं आपके बच्चे की आराधना कर रही हूँ, आप बुरा मत मानो।